आजमगढ़ जनपद की फूलपुर पवई विधानसभा से भाजपा विधायक अरुण कांत यादव पर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिलाओं ने ग्रामीणों संग पहुंचकर आजमगढ़ के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए सीओ को नामित किया है। ज्ञापन देने वाली महिलाओं का कहना है कि 42 बिस्सा सड़क पर जमीन है जिसे विधायक और उनके आदमी कब्जा करना चाहते हैं। बाहुबलीपुर सांसद रमाकांत यादव के बेटे हैं अरुण यादव। पीड़ित महिला विद्या व सरस्वती तीनों सगी बहन है और आजमगढ़ के सीमावर्ती जौनपुर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में ससुराल है। जौनपुर सीमा से ही सटे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण कांत यादव हैं। महिलाओं के अनुसार उनका मायका फूलपुर कोतवाली के मुस्तफाबाद में है। उनके पिता के कोई पुत्र न होने पर तीनों बहनों को पूरी संपत्ति मिली है। तीनों के परिवार बड़े आराम से खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन एक हफ्ता पूर्व विधायक के खास आदमी अजय यादव लग्जरी वाहन से घर पर धमक पड़े और जबरन भूमि को विधायक को बेच देने का दबाव डालने लगे। धमकी दिए कि नहीं बेचोगे तो जबरन कब्जा कर लेंगे, पैसा भी नहीं देंगे और जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार ने बहुत हाथ पैर जोड़ा, लेकिन एक न सुनी। दो तीन दिन बाद में जब मक्का व अरहर बोने की कोशिश की तो फिर वही अजय यादव 15 लोगों के संग आकर बीज उठा ले गए। अगले दिन 25 लोग पहुंचे और दो ट्रॉली ईंट खेत में गिरा दिए। पीड़ित महिलाओं की परेशानी देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन फोर्स भेजने का भरोसा मिला। दो सिपाही पहुंचे, लेकिन वह भी ईंट गिरवा दिए। इनका मायका मुसावाद में, इनका मकान दिए गए दरखास्त में उसमें दर्शित है। इनकी ज़मीन को मौजूदा विधायक फूलपुर अरुण कांत यादव जबरदस्ती ईंटा गिरवा के कब्जा करना चाहते हैं। 23 तारीख को 12 बजे विधायक के लोग 25 की संख्या में पहुँचे। ये लोग घबरा कर हमारे परिवार के पास पहुँचे। मैं संयोग से आजमगढ़ था, मेरे बेटी बेटा बच्चे पत्नी सबाई उनको भी डांटा गया। इसके बाद मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब ने तुरंत जो है SHO महोदय फूलपुर को फ़ोन किया। 5 मिनट बाद SHO महोदय मुझसे पूछ रहे हैं क्या मामला है। मैंने उनसे सारी बात को अवगत कराया, कहें ठीक है हम फोर्स भेज रहे हैं। इसके आधे घंटे बाद फूलपुर कोतवाली से राम प्रकाश सिपाही, ओम प्रकाश सिपाही और एक होमगार्ड ने उनके आदमियों के सामने जबरदस्ती ईंटा खुद गिरवाया। और ये रोड से सटी हुई ज़मीन है जिसमें विधायक का पूरा परिवार इस ज़मीन पर निगाह रखता है, उसको कब्जा करना चाहता है। भाई सरकार तो हम लोगों की समस्या सुनने को तैयार है, लेकिन नीचे के अधिकारी ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। विधायक अगर कब्जा कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक हैं। हाँ सत्ता पक्ष हैं, उनका प्रभाव तो है ही है। भाजपा के विधायक हैं, उनका प्रभाव है। उनके प्रभाव की वजह से निचले स्तर के अधिकारी अपना प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं। हम चाहते हैं जो सही चीज़ हो उसको करवाया जाए। इनके खेत में जो ईंटा गिरा हुआ है उसको तत्काल उठवा कर इनकी बुआई वुआई करवाया जाए।